जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि आपकी जो SSC GD का जो ज्वाइनिंग टाइम पे मेडिकल होगा इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आप एक बार, मैं हमेशा बोलता हूँ आज करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से वो मेडिकल होता है। ये आपको प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से वो आपका मेडिकल होगा इसके लिए। तो कईयों को ये मतलब डाउट रहता है, मैं कई बार बोलता हूँ डाउट रहता है कि उनके पैर में नोकनी कईयों के बाहर आ रखे हैं या ऐसा कुछ होता है, तो किस प्रकार से फाइनल मेट होगी, जब ज्वाइनिंग होगी तो मेडिकल होगा कैसे। पूरा मेडिकल होता नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ कि सरसरी तौर पे आपका भी मेडिकल होगा, लेकिन सरसरी तौर पर कैसे होता है मैं आपको एक छोटा सा नमूना देता हूँ पूरे मेडिकल का, किस प्रकार से आपका मेडिकल होगा। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, मैं बता देता हूँ कि किस चीज़ की आपको विशेष ध्यान रखना है उस समय जब आपका अब लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल हो। तो पहली बात तो सरसरी तौर पर हो सकता है, मेन मेडिकल तो होगा नहीं, जैसे खून जाँच, यूरिन जाँच, एक्सरे वो कुछ नहीं होगा। अब आपको सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग सेंटर जाओगे तो जैसे 5 बंदों को खड़ा कर दिया लाइन में और इस प्रकार से चला के देखते हैं, आपको एक एक कदम इस प्रकार से चला के देखते हैं, साइड बाय साइड चला के देखते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से चला के देखते हैं। उसके बाद में साइड जंप करवा सकते हैं, बस एक दो साइड जंप करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको पैरों को इस प्रकार से मान लो फोल्ड करके जंप, मतलब जितना पैर है उसको कितना, कहीं पैर में कहीं मतलब यहाँ पे अगर कोई चोट चोट लगी है तो उसका इससे पता चल जाता है। फिर ऐसे किक मरा सकते हैं, मान लो जो बेसिक जो हुआ था हमारे टाइम में नहीं हुआ था, लेकिन हमारे से जो पहले जो दूसरे ग्रुप सेंटरों में थे उनका इस प्रकार से हुआ था। और इस प्रकार मतलब पैर को इस प्रकार से चेक कर लेते, पूरे पैर को इस प्रकार से चेक कर लिया अब जंप करवा के, तो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो दिख जाएगी। फिर आपको चलवा सकते हैं 100 मीटर का रनिंग करवा सकते हैं कि चलो दौड़ के आओ 100 मीटर, तो 5-5 बंदे को इस प्रकार से करवाते हैं। उसके बाद में जैसे हाथों को अगर चेक करें तो अब आप सोचते हो कि आपका इस प्रकार से वापस ये होगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा कि इस प्रकार एल्बो देखेंगे, ये कुछ नहीं देखेंगे, सरसरी तौर का मतलब बाहरी सा। फिर आपको जैसे हाथों को ही राउंड राउंड घुमा सकते हैं, 1x1 घुमा सकते हैं इस प्रकार से। अगर आप घर पर प्रैक्टिस भी करते हो तो कर सकते हो, ताकि उस समय कईयों के दर्द हो तो फिर वो चेक हो सकता है, तो दर्द मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि फिट शरीर आपका किसी का इस प्रकार का नहीं होता है। फिर गर्दन को मान लो इसे रोटेट करके ये करते हैं, कईयों को अगर गर्दन में प्रॉब्लम है तो वो दिख जाएगी। उसके बाद में जो अब आप जो पूरा वो मेडिकल होता है अंडरगारमेंट्स के अंदर क्या या प्राइवेट पार्ट्स का, तो वो मेडिकल इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। आपको एक बार फिर मान लो टी शर्ट या बनियान में या केवल अंडरगारमेंट्स में एक बार खड़ा करके ऐसे देख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चोट चाट तो नहीं है पीठ पर या हाथ पर। अब इसके बाद में जो नॉर्मल आपकी जो PTVT होती है उसको करा सकते हैं, जैसे साइड जंप हो गए, अब जंप करवा के आपको एक एक बंदे को देख सकते हैं, या थोड़ा सा जंप करवा सकते हैं कि भाई जंप करके दिखाओ कितना ऊपर उछाल सकते हो, और 100 मीटर की रनिंग। इस प्रकार से जो बेसिक जो अब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे होगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये होता है कुछ ग्रुप सेंटर कुछ में, तो ये भी नहीं होता। बस अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्लास्टर लगा के आया या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको तो करवाएंगे क्या, वो तो अलग से दिखेंगे, तो अलग से जाके उनको कर लेंगे। बाकी जो फिट दिखेगा उसका इस प्रकार का भी नहीं होता है, लेकिन हाँ कई ग्रुप सेंटरों में होता है, इस बार हो सकता है। तो ये बस ये नॉर्मल इस प्रकार का मेडिकल होगा और कुछ मेडिकल नहीं होगा। बस जो आपको बाहरी आप जो मेडिकल देखे आए थे, जो बाहरी जो मेडिकल हुआ था उसमें भी जैसे आप एल्बो चेक करना, नोकनी चेक करना, या किसी के पैरों की जो नसें बाहर हैं या हाथ की जो नसें बाहर हैं, वो क्या बोलते हैं उसको जो नस बाहर होती है, वो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कईयों की जो नाक में TNS है, जैसे वो नाक की जो टेढ़ी मेढ़ी है, या कान में अगर कोई प्रॉब्लम है, या कान गंदा हो रखा है, या कान में से वो क्या बोलते हैं थोड़ा कचरा वचरा कुछ ज़्यादा आता है कईयों के, या नाक की अगर कोई प्रॉब्लम है या आँख की कोई प्रॉब्लम है, तो वो मशीनों से अब कुछ चेक नहीं होगा कि आपकी मशीन लगा के फिर कान चेक होगा, फिर आपकी आँखें चेक होगी, फिर इस प्रकार से जो आपसे मेडिकली टाइम वर्ड पढ़वाए गए थे 6x6 है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के टीथ बाहर ज़्यादा कम ऐसा कुछ है, अगर वो ठीक करा सकता है वो इसकी इच्छा है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये डिपेंड ऑन यू है, आप चाहते हो आप ठीक करो तो करो, बाकी आपका आप कोई चेक करने वाला नहीं है मेडिकल, दोबारा मेडिकल आप में से किसी का नहीं होगा। ये 100% है कि दोबारा मेडिकल, क्योंकि SSC की ज्वाइनिंग है 12 महीने के आसपास ही होती है सभी की, तो मेडिकल होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन असर से तौर पे इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। बाकी अगर कईयों के जैसे फ्लैट पैर है, वो भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे फ्लैट पैर है, कोई नोकनी कैसे ठीक होगी, इसके लिए ठीक करनी है, तो उसके लिए तो अब मुश्किल हो जाती है। अगर 13-14 साल का अगर लड़का है, या आपके घर में 8-10 साल का लड़का है, उसकी अगर नोकनी हो रही, तो उसके लिए एक हो सकता है कि जब वो सोए तो उसके यहाँ पर वो आप गद्दे का या कुछ तो तकिया वकिया बनाते हैं, वो लगा के उसको सुला सकते हो, तो उससे थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। लेकिन 18-19-20 साल की एज में आके ये ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कईयों के हाथों में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मेडिकल फिट हो आप,
तो अब वो प्रॉब्लम कुछ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ पर केवल ये देखा जाएगा कहीं पर मतलब एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ तो नहीं हुआ है, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ के नाक वाक ऐसा कुछ चेक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई समस्या से आप परेशान हो तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।